एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? तो आज है शनिवार और आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि होली के बाद भी मैंने दो दिन तक ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो आज से स्टार्ट किया है मैंने ब्लॉगिंग करना। और आज है शनिवार और अभी दोपहर के 12 बज रहा है, तो दोपहर का खाना भी मैंने नहीं बनाया है, अभी मुझे बनाना है। आई थी मैं छत पे कपड़ा डालने के लिए, कपड़ा भी मैं डाल चुकी हूँ। मैंने सोचा सबसे थोड़ा सा बात कर लूँ, तो कैसे हो आप लोग बताना। और मैं ठीक हूँ। और आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ मौसम आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ कैसा मौसम है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब इस टाइम पे बारिश होना बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। खैर हमारे लिए तो नहीं है, पर किसान लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम पे गेहूं का जो फसल है वो काटते हैं लोग, और मतलब काटने का टाइम हो जाता है, तो बारिश हो रही है तो बहुत दिक्कत आ रही होगी उन लोगों को। तो भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अब ये जब चाहे तब, मतलब बिन मौसम बरसात ये तो भगवान ही कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा ही मौसम है, दो तीन दिनों से ऐसा मौसम है पूरा। रात में तो बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान भी आया था, और सुबह से रात से ही कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो बारिश हो रहा है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, फिर शुरू हो रहा है, रुक रहा है, फिर शुरू हो रहा है, तो ऐसे ही पूरा दिन है। पर जिनको अभी गेहूँ की कटाई करनी है, चना दाल दलहन जो भी होता है इसी टाइम पे होता है, तो अभी कितना दिक्कत हो रहा होगा, सारा जो फसल है भीग गया होगा। तो भगवान भी ना, और अभी भी नहीं लग रहा है कि आज मौसम कुछ ठीक होगा, अभी भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, डाल लिया है और ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, और देखती हूँ क्या कुछ शेयर कर पाती हूँ। अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं है कुछ स्पेशल करने का, और खाना वगैरह जैसे भी कुछ शेयर नहीं करूँगी अभी, तो बस। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो ये जो हमारा ऊपर वाले फ्लोर का जो किचन है वहीं पे हूँ। तो अभी ये बना नहीं है, देखिए इस तरीके का है, तो यहीं से बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी अच्छी आ रही है और कोई मुझे सुन भी नहीं रहा है। तो आप लोग को पता है जहाँ से मुझे लोग सुन पाते हैं वहाँ से मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए यहाँ एक बात करने। और खाना भी बनाना है, और खाने में मैं बना रही हूँ कटहल की कड़ी वाली सब्जी और चावल। तो दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा दही बड़ा मैंने बना के रखा हुआ है, तो होली वाले दिन का नहीं है, होली के दो दिन बाद, कल शुक्रवार था, कल मैंने दही बड़ा और बनाया था, क्योंकि बाबू को मेरे बहुत ज़्यादा दही बड़ा पसंद आ रहा है। मैंने सोचा कि बना देती हूँ, क्योंकि मसाला वगैरह भी बचा हुआ था, तो फिर बाद में हो नहीं पाता है ना मसाला वगैरह, इतना सारा कुछ रेडी करो, और मतलब थोड़ा सा तामझाम होने लगता है, इस वजह से मैंने सोचा कि बना देती हूँ। तो वही है, और क्या बात करूँ, आप लोग कुछ कमेंट करते ही हो, क्या मैं बोलूँ। अब जैसे और बाकी लोग बड़ी बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं उनके पास हज़ारों कमेंट आते हैं, सैकड़ों कमेंट आते हैं, कुछ सिर्फ नाइस वेरी गुड करके आते हैं, और कुछ सवाल आता है तो वो लोग जवाब देते हैं। अब हमारे साथ ये है कि हमारे पास ना तो कोई सवाल आता है और ना कोई हेट कमेंट, ना कोई गुड, हाँ गुड कमेंट तो आता है, पर खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेट कमेंट आए, लेकिन एक रीज़न हो जाता है ना, अगले ब्लॉग के लिए एक टॉपिक मिल जाता है बड़े बड़े यूट्यूबरों को, या फिर जिनका चैनल चल रहा है उनको एक टॉपिक मिल जाता है अगले वीडियो में डिस्कस करने का। अब हम क्या बात करें, हमारे साथ तो बस हमारा जो रूटीन है, दिखा देंगे तो बताएंगे क्या, और बता देंगे तो फिर दिखाना है का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। तो वो चीज़ है, सिर्फ हाल चाल पूछ लिए और क्या बात। देखिए कितना बारिश हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है। तो दो तीन दिनों से कंटिन्यू ऐसे ही बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, रुक रुक के बीच बीच में, और बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। खैर गली में तो अभी थोड़ा साफ हो गया है, और ये आसमान भी देखिए, आसमान में अभी भी बादल है, यानी कि अभी भी बारिश होगा ही होगा। तो ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ संडे को, और ये जो ब्लॉग शूट किया हुआ है ये है सैटरडे को, तो उस दिन पूरा बारिश होता था, लेकिन हालांकि आज मौसम अच्छा है, धूप निकला हुआ है, लेकिन बादल अभी भी थोड़ा बहुत है।
और उसके बाद ये जो है दोपहर का टाइम का है, खाना पीना हो गया था, मैंने खाना बना लिया था और रेसिपी मैंने जैसा कि कहा था कि सूट नहीं करूँगी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं थोड़ा अपना फाइल वगैरह निकाले थे, कुछ काम कर रहे थे, तो इसी के साथ ये जो है ये सारे अलग अलग जगह के नोट मुझे दिखे थे, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। तो पहले मुझे लगता था कि डॉलर ही ज़्यादा, मतलब डॉलर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे है यूरो और ये है पाउंड, तो ये सब का ज़्यादा वैल्यू है मुझे पता चला। तो यहाँ पे देखिए बहुत से जगह का आपको नोट देखने को मिल जाएगा। ये है पाउंड, ये है इंग्लैंड का, और उसके बाद आपको ये सिंगापुर का है, तो सिंगापुर का डॉलर भी है, वहाँ का भी थोड़ा सा अलग होता है। और उसके बाद ये है केन्या का, तो ये सब मैं अपने हस्बैंड से पूछते जा रही थी। और ये हर देश में जाते रहते हैं तो वहाँ का जो है इनको रखना पड़ता है करेंसी, क्योंकि इनको उतरते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, तो बस इनके पास हर जगह का हर देश का आपको मिलेगा। तो वही मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। और बहुत सारा इस तरीके का होता है, वो ये घर में भी मुझे दे के रखे हैं, तो वो सब का तो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कम है, जो ये मुझे घर में छोड़ के जाते हैं मेरे पास, और जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इनको ज़रूरत पड़ती है उतरते हैं तो ये रखते हैं। तो ये देखिए, और हमारे इंडिया से जो है यहाँ का नोट जो है दूसरे जगह का नोट काफ़ी बढ़िया है, छूने पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से दो चीज़ ऑर्डर करवा रही हूँ, तो जब आ जाएगी तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि मैंने क्या किया, बस अपने किचन से रिलेटेड आइटम, दो आइटम मैंने ऑर्डर किया है, तो वो है, अभी देखते हैं कैसा निकलता, अच्छा निकलता या नहीं। और तो बस ऐसे ही दोपहर जो था हमारा बीत रहा था। शाम के टाइम का, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाने की तैयारी के लिए, और मैं बना रही हूँ पालक सोया और बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद, तो अभी मैं इनको बना लूँगी। और ये जो पालक और सोया है ये घर का ही है, गार्डन से निकला हुआ है, तो बना के इसको रख दिए थे हम लोग फ्रिज में। तो अभी देखिए मैंने इसको धोधा के काट लिया है, और यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्च ले लिया है, लहसुन भी मैंने दे दिया है छीलने के लिए हस्बैंड जी को। और यहाँ पे देखिए मैंने म्यूजिक लगा लिया, तो ऐसे ही मैं करती हूँ जब मेरा मन करता है, थोड़ा सा अपसेट होती हूँ तब, या फिर कभी मन कर दिया कुछ सुनने का तो किचन में इस तरीके से ब्लूटूथ से गाना लगा लेती हूँ और साउंड को थोड़ा कम कर लेती हूँ ताकि ससुर जी तक ना पहुँचे, और बस ऐसे सुनते हुए जो है अपना खाना बनाते रहती हूँ। तो देखिए अभी मैंने रख दिया है कढ़ाई को गर्म होने के लिए, और उसमें तेल अभी मुझे डालना है, तो तेल ख़त्म हो चुका है। अभी देखिए मैंने पैकेट को क्या किया है कि जग में काट के रखा है ताकि ये घुलट के जो है गिरे ना, तो अभी मैं इसको, अभी फुर्सत में हूँ, अभी मैं रख दूँगी इसको। तो मैंने सरसों तेल डालने के बाद डाल दिया है जीरा, और फ़ौरन पर का जो सब्जी बनता है पालक और बैंगन का, वही बना रही हूँ कम मसाले के साथ, तो ये सब्जी अच्छा लगता है, आप सब भी बनाते होंगे, कुछ स्पेशल नहीं है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया जीरा, और जीरा के बाद डाल दिया है अदरक घिसा हुआ, हरी मिर्च, और इनको हल्का सा भून लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, और प्याज जब थोड़े अच्छे से भून जाएंगे फिर मैं इसमें आलू डाल के और आलूओं को अच्छे से भून लूँगी नमक के साथ, और फिर मैं इसमें मसाले, जो मुझे मसाले डालने हैं, और मसाले में मैं डालूँगी सिर्फ थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और लहसुन, बस यही मसाले मैं डालूँगी यहाँ पे, और लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरा मिर्च ले लिया है ज़्यादा इसमें, जितना मुझे चाहिए था। बस यही मसाले के साथ इनको जो है भून के फिर मैं इसमें पालक और बैंगन डाल के और आँच को एकदम कम कर दूंगी, और थोड़ी देर बाद अगर लगे कि आलू नहीं पके हैं अच्छे से तो थोड़ा पानी डालूंगी अब, या तो ऐसे ही बिना पानी के ही मैं इनको पका लूंगी बस कम आँच पे, और फिर टमाटर भी ऐड कर दूंगी उसमें। तो सब लोग बनाते होंगे, पर फिर भी मैंने बता दिया कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ ये सब्जी, तो वही बना लूँगी। और उसके बाद फिर इधर सब्जी बनते रहेगी, उधर मैं रोटी बनाना भी स्टार्ट करूँगी, और आटा भी मुझे लगाना है, तो सब्जी पहले छौंक लो उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, और कुछ आटा जो है सुबह वाला बचा हुआ है तो थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा।
और यहाँ पे मैं हल्दी निकाल रही हूँ। छोटे वाले जार में जो है हल्दी खत्म हो चुकी थी, तो बड़े वाले में से मैं ले रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं खाना बना लूँगी यहाँ पे। आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए। यहाँ पे मैं बाबू के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो आधा रोटी मैंने बना लिया है अभी, और बनाना बाकी है। तो वो सो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि उसको दे देती हूँ। और उसे खिलाने का टाइम इसी टाइम पे शुरू होता है, जब मेरी रोटी जो है आधी बन चुकी होती है आधी बाकी होती है। तो मैं ऐसे खाना निकाल के दे देती हूँ अविनाश को, अविनाश खिला देते हैं। तो मैंने उसके लिए पराठा दिया है, थोड़ा सा सब्जी दिया है, चीनी दिया है, क्योंकि चीनी और पराठा वो आसानी से खा लेता है, लेकिन सब्जी जो उसे सब्जी अच्छा लगेगा तो मैं सब्जी थोड़ा सा ज़रूर उसे देती हूँ, कि अगर उसे पसंद आएगा तो वो खा लेगा, और अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन देती ज़रूर हूँ। और कभी कभार उसे पसंद आ भी जाता है। और मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मतलब चटपटा सा चीज़ पसंद आता है, फीका फीका सब्ज़ी नहीं पसंद आता। और ये देखिए मेरा जो है डिनर तैयार है, तो बाकी सभी लोगों को मैंने तो खिला दिया है। ये मेरी थाली है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक